गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों आज 18 दिसंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जब आप लोग वीडियो देख लेंगे तो प्लीज़ आप कुछ बोला कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी फीडबैक देना है आप कमेंट करके हमें बताया कीजिए। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कुछ लोग तो हमेशा कमेंट करते हैं, इनफैक्ट उन लोगों का नाम भी मुझे याद हो गया है। और लाइक भी किया कीजिए अगर वीडियो पसंद आता है तो, ऐसे ही क्लोज मत किया कीजिए, ओके। और तैयारी अच्छे से कीजिए। न्यूज़ आपको पता होगा, जेपीसी का जो नोटिफिकेशन है ये जनवरी के मंथ में निकाल दिया जाएगा, ओके। तो इसके लिए जेएसएससी हो या फिर जेपीसी हो, इसके लिए जो झारखंड का करंट अफेयर्स होता है तो पिछले 1-1.5 साल तक के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस लेखिका के द्वारा क्रोमोसोम्स नामक पुस्तक लिखी गई है? क्रोमोसोम, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा साइंस में। तो ये जो है डॉक्टर कामिनी कुमार, फीमेल पर्सन है, जो कि रांची विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर हैं, इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। और इस पुस्तक का लोकार्पण, देखिए दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक तो इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो प्रोफेसर कामिनी कुमार, यहाँ पर प्रति कुलपति लिखा हुआ है। प्रति कुलपति इसका मतलब होता है, देखिए एक होता है चांसलर जो कि गवर्नर है, फिर होता है वाइस चांसलर जो कि कुलपति को कहा जाता है, उसके बाद डिप्टी वाइस चांसलर, प्रति कुलपति, ओके। तो ये प्रोफेसर भी हैं वहाँ और प्रति कुलपति भी हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा लिखा गया है और इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है द्रौपदी मुर्मू के थ्रू। ये अंग्रेजी लैंग्वेज में लिखा गया है और इस पुस्तक को लिखने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ साथ जो लोग रिसर्च कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में या फिर टीचर्स हैं, उनको इस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट को समझने में काफ़ी मदद मिले, ओके, ये इसका उद्देश्य है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि इस पुस्तक के साथ साथ कुछ और पुस्तकों का भी लोकार्पण किया गया है और उन पुस्तकों को लिखा गया है डॉक्टर मुकुंद चंद्र के द्वारा। और ये जो मुकुंद चंद्र हैं ये रांची विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं, मतलब कि रजिस्ट्रार हैं। और वो पुस्तक कौन कौन से हैं, देखिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कॉरपोरेट गवर्नेंस, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये जो है पुस्तक, इनका भी लोकार्पण किया गया है मुकुंद चंद्र मेहता के द्वारा, ये लिखा गया है। लेकिन लोकार्पण जो है, दोनों ही जो राइटर्स हैं इनके पुस्तकों का लोकार्पण द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जहां की सड़क हादसों में होने वाले मृत्यु पर 1 लाख रुपए का मुआवजा मृतक के परिजनों को दिया जाएगा। तो ये जो है झारखंड है और इस तरह का नियम लागू करने वाला ये पहला स्टेट है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है, देखिए एक तो अमाउंट इम्पोर्टेंट हो गया कि कितना मुआवजा दिया जाएगा, तो 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो मुआवजा की राशि है ये किसके द्वारा दिया जाएगा, तो आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा दिया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। और यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं, यदि आप जेपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये डेटा आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेपीसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन कर रहे हैं तो इसे आप याद रखिए। यहाँ पर 2016 से लेकर 2019 तक के डेटा दिए हुए हैं कि कितने लोग जो हैं, कितने लोगों की दुर्घटना हुई है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है दुर्घटना में, सड़क दुर्घटना में, ठीक है, डेटा इम्पोर्टेंट है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड के किस इंडस्ट्रियल यूनिट में 6 मेगावाट सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है ऑप्शन सी, HEC, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इसमें जो है 6 मेगावाट सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके 3 प्लांट्स हैं, तो इन 3 प्लांट्स में इसका जो, यहाँ पर देखिए HMBP है, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, तो इसमें ये जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। और किसकी सहायता से इस्टेब्लिश किया जाएगा ये इम्पोर्टेंट है, तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज सर्विस लिमिटेड, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, HEC और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के बीच HEC मुख्यालय में एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत दोनों कंपनी द्वारा मिलकर HEC परिसर में
6 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। ओके, और पहला सोलर पावर प्लांट जो है HMBP हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट के पास चिन्हित ज़मीन पर किया जाएगा। वहाँ सोलर पावर प्लांट लगेगा और HEC द्वारा हर्बल गार्डन भी वहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत 2021 में कितने लाख राशन कार्ड धारियों को जोड़ने की योजना बनाई गई है। ये जो योजना है ये पुरानी योजना है, अभी हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर हैं, इसके पहले रघुवर दास थे और उनके पहले हेमंत सोरेन ही थे, तो उनके समय से ये योजना चल रही है। लेकिन जब रघुवर दास आए थे तो इस योजना को बंद कर दिया गया था, वापस हेमंत सोरेन के आने पर इस योजना को फिर से चालू किया गया है। और अभी जो है 57 लाख राशन कार्ड धारियों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 20 रुपये में साड़ी और धोती या लुंगी है। ठीक है, साड़ी और धोती या फिर लुंगी मिल सकेगा, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि 10 रुपये साड़ी या फिर धोती या फिर लुंगी का प्राइस होगा। और ये जो साड़ी है सूती की जगह अब पॉलिस्टर की साड़ी दी जाएगी। ओके, यह योजना हेमंत सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है, इसमें लाभुकों को साल में 2 बार 20-20 रुपये में साड़ी और धोती या लुंगी दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने बताया कि यह योजना जो है, इस योजना की शुरुआत 2013 से 14 में हेमंत सोरेन की सरकार के समय की गई थी। 2014 में राज्य में रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया था। ओके, पांचवा क्वेश्चन है, झारखंड को PM केयर्स फंड से कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये जो COVID-19 के दौरान जो फंड जमा हुआ था PM केयर्स फंड में, तो इस फंड को स्टेट वाइज कुछ फंड को स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो झारखंड को कितना फंड मिला है, यहाँ पर देखिए झारखंड को जो फंड मिला है वो है 17,96,50,000 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राउंड फिगर में आप टिक कर सकते हैं, 17,96,50,000 रुपये। अब इतना जो अमाउंट मिला है अब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटा गया है, तो अभी क्या है कि 24 जिलों में से 22 जिलों को फंड दिया गया है और अब तक 8,64,00,000 रुपये आवंटित कर दिए गए हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा जो है 1,00,00,000 रुपये रांची को और सबसे कम 10,00,00,000 रुपये खूंटी को दिया गया है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस हैं वन लाइनर टाइप का, इसको भी आप देख लीजिए। झारखंड के किस जेल में जेल पार्क का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है बिरसा मुंडा जेल रांची, इसको जो है जेल, यहाँ पर जेल पार्क का निर्माण किया गया है और ये नेक्स्ट ईयर से लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बिरसा मुंडा के साथ साथ सिद्धू कानू का भी जो है एक तरह से चलचित्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सातवां क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में एडवांस साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन ए रांची इसका सही आंसर है। आठवां क्वेश्चन है, झारखंड का पहला इंडस्ट्रियल यूनिट जहां की सबमर्ज्ड वेल्डिंग तकनीक के उपयोग की शुरुआत की गई है। तो ये जो है इसका मशीन, एक बड़ा सा मशीन होता है, ये HEC में अवेलेबल था लेकिन ये ख़राब पड़ा हुआ था, तो इसको बना दिया गया है। और इस वेल्डिंग का इस्तेमाल जो है हर जगह नहीं किया जा सकता है, यह स्पेशल टाइप का वेल्डिंग है, तो HEC में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन ए HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इसका सही आंसर है। ओके, यहाँ पर लिख दिया गया है AAA। ठीक है, तीनों का ये आंसर है। चलिए लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन क्या है, झारखंड के किस डैम के स्विचिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम को रिमोट मैकेनिज्म से जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पंचेत डैम, मैथन, गेदलसूद या फिर मसान जो डैम, ये ऑप्शंस थे। तो मसान जो डैम, जो कि सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, मसान जो डैम जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ओके, झारखंड की मयूराक्षी नदी को बांधकर दुमका जिले में बनाए गए मसान जोर डैम को अब पश्चिम बंगाल सरकार का
यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल सरकार का सिंचाई विभाग रिमोट सेंसर सिस्टम की मदद से कंट्रोल करेगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसलिए इस पर अलग वीडियो भी बनाया गया था। ओके, इसके लिए डैम की स्विचिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम को रिमोट मैकेनिज्म से जोड़ा गया है। डैम के नीचे कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें कृषि के क्षेत्र में रिसर्च एक्सलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कृषि के क्षेत्र में रिसर्च एक्सलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शंस क्या है, धर्मा उरांव, आरती एक्का, पंकज सेठ या फिर अमृत झा। तो आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं, और इस चैनल का जो वीडियो है आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके हमेशा आप बताते रहें, फीडबैक देते रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि सभी के कमेंट्स को रिप्लाई मैं नहीं कर पाता हूं, लेकिन सभी के कमेंट्स को पढ़ता ज़रूर हूं, और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप तारीफ़ करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना कि कुछ लोगों के नाम भी मुझे याद हो गए हैं, वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं और अच्छे कमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे साथ आप जुड़े रहिए, काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलने वाला है झारखंड से रिलेटेड जेएससी जेपीसी एग्जामिनेशन के लिए। खासकर जो जेपीसी का एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी कुछ हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।